नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। गर्मी का सीजन आ गया है और इसी के साथ बाजार में आने लगा है गर्मियों का सबसे हेल्दी माना जाने वाला फल तरबूज। 92% हिस्सा पानी होता है और इसमें 6% शुगर होता है। फाइबर की मात्रा अच्छी होने के कारण तरबूज का सेवन गर्मियों में बहुत फायदेमंद माना जाता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि सीजन में बाजार में ऐसे तरबूजों की भी भरमार हो जाती है जिन्हें इंजेक्शन लगाकर पकाया जाता है। इंजेक्शन लगाकर पकाए गए तरबूज को पहचानना तो सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है। आमतौर पर तरबूज को लाल बनाने के लिए इसमें डाई का इंजेक्शन लगाया जाता है, वहीं कई बार इसे तेजी से पकाने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये केमिकल युक्त इंजेक्शन जो तरबूज में लगाए जाते हैं आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इंजेक्शन वाले तरबूज के कारण ही विपरीत परिस्थितियों में आपकी सेहत भी गंभीर हो सकती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इंजेक्शन वाला तरबूज आपके लिए कितना नुकसानदायक है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। कई बार तरबूज की ऊपरी सतह पर आपको बहुत हल्का सा सफेद पीला पाउडर दिखाई देगा। आपको ऐसा आभास होगा कि ये धूल हो सकती है, मगर ये पाउडर कार्बाइड हो सकता है जिसके कारण फल तेजी से पकते हैं। ये कार्बाइड आम और केले को पकाने में भी काम आते हैं, इसलिए तरबूज को काटने से पहले अच्छी तरह पानी से धो लें। अक्सर इंजेक्शन वाले तरबूज बहुत अधिक लाल दिखाई देते हैं। इसे काटने पर आपको सामान्य से ज्यादा लालपन और मीठापन लगेगा। इसके अलावा तरबूज के बीच के हिस्से में ऐसा दिखाई देगा जैसे केमिकल से जला दिया गया है। हो सकता है इसे एक नजर में देखने पर आपको ऐसा लगे कि तरबूज लाल और मीठा है, मगर सड़ने वाला है। कई बार इंजेक्शन वाले तरबूज में कोई छोटा सा सुराख होता है जिसे अक्सर लोग कीड़े मकोड़े द्वारा किया गया सुराख मानकर ले जाते हैं, मगर ये सुराख दरअसल इंजेक्शन का हो सकता है। अगर तरबूज को काटने के बाद आपको इसके बीच में दरारों जैसे छेद दिखाई देते हैं तो ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि तरबूज को इंजेक्शन लगाकर पकाया गया है। प्राकृतिक रूप से पके फल में ऐसा गड्ढा या दरार होना सामान्य नहीं है। वहीं अगर तरबूज खाते वक्त आपको इसके स्वाद में किसी दवा के जैसा टेस्ट आए या इसे खा लेने के बाद जीभ में चिकनापन लगे तो इसे तुरंत फेंक दें। प्राकृतिक रूप से पके तरबूज में ऐसा स्वाद आना असंभव है। वहीं आपको बता दूं कि तरबूज को पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए इन केमिकल्स की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। साथ ही ये इतने खतरनाक भी होते हैं कि कुछ स्थितियों में इंसान की किडनी बहुत अधिक डैमेज भी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।